नमस्कार, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने पुराने नोट या सिक्के जो भी है आपके पास, उसे आप ईबे पे कैसे सेल कर सकते हैं। ईबे एक इंटरनेशनल सेलिंग साइट है जहाँ पे लोग बहुत सारी चीज़ें सेल करते हैं। आपके पास कोई भी, अगर आपका पेंटिंग है तो भी आप उसे सेल कर सकते हैं, यानी कि आप जो भी यहाँ पर सेल करना चाहते हैं, आप अपनी यूनिक चीज़ें, उसे आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे सेल करने में लोगों को दिक्कत ये आती है कि उनका जो है सेलर अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाता है। तो यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप सेलर अकाउंट क्रिएट करेंगे, कैसे आपको जो है जैसे ही आपका प्रोडक्ट सेल होता है वैसे ही पैसे आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, उसके लिए क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप देखेंगे कि मैं जो है आपको ले चलता हूँ ईबे पर। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है, आपको इसका एक भी पैसा नहीं लगता। इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन जो आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं ईबे पे, और यहाँ पे मैंने अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया। यहाँ पे मैंने पहले सर्च किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग जो है अपना नोट या कॉइन सेल कर रहे हैं, ये कोई दूसरा बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 रुपये का जो एरर वाला नोट है इसका प्राइस है 2,70,000, और यहाँ पे 1 रुपया का जो पुराना वाला नोट है इसका प्राइस यहाँ पे 2 लाख रुपये है, ठीक है। और यहाँ पे 1 रुपये का पुराना वाला नोट 1,69,000, ठीक है, 1,55,000। तो यहाँ पे जो है प्राइस 1 लाख के आसपास है ज़्यादातर। तो इसीलिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि करोड़ों में प्राइस नहीं होती है, लाख में आपको मिल सकता है इसका प्राइस, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और भी होती है, यहाँ पे कुछ लोग जो है फेक कॉइन्स या नोट जो है यहाँ पे डाल देते हैं और उसका प्राइस काफ़ी कम लिख देते हैं, और एक्चुअली वो फेक होता है, ओरिजिनल होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो लोग सेल तो करते नहीं है क्योंकि उसके पास कुछ होता नहीं, बस वहाँ पे डाल दिए और जब कोई सेलर कांटेक्ट किया तो उसके पास शिप करने के लिए जो है वो देने के लिए वहाँ पे वो कॉइन उसके पास या नोट जो होता ही नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 1 रुपये का नोट है ये 1,15,000 का है, ये 1,10,000 का है, ठीक है, ये 1 लाख है, और ये 5 रुपये का ओल्ड नोट है जिसका प्राइस यहाँ पे 1 लाख रुपये है, ठीक है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको कॉइन्स के बारे में भी बताऊँगा। ये 2,000 रुपये का पुराना नोट है, 2,000 रुपये में आप इसमें क्या खास है वो आप देख लीजिए कि साइन उर्जित पटेल ह्यूज कटिंग एरर। तो ये भी एरर वाला नोट है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे कि नोट कहीं दूसरे जगह से कट होने की बजाय कहीं दूसरे यानी कि थोड़ा ऊपर या नीचे से कट हो जाता है, जिसमें कि दो नोट का नंबर एक ही नोट पे छप जाता है, तो वो सब एक तरह से एरर वाले नोट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एरर वाले नोट है, जो 500 का नोट है इसका प्राइस है 99,999, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको 99,999 के लेवल में, 89,000 में बहुत सारे नोट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 5 रुपये का जो ट्रैक्टर वाला नोट है, यहाँ पे 5 रुपीज़ सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर इतना इतना एंड साइन बाय बीमल जालान। तो इसमें ये जो 5 रुपीज़ का नोट है ये शायद ट्रैक्टर वाला नोट होगा, इसके बैक साइड में कुछ दिया नहीं हुआ है, तो इसका जो प्राइस है यहाँ पे 75 रुपये रखा है, ठीक है, 75,000, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे, अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा मिल जाते हैं, इंडियन 5 रुपीज़ साइन, बीमल जालान, ये 10 रुपये का नोट है, ये 10 रुपये का नोट में एक्स्ट्रा किया है। तो यहाँ पे 7 डिजिट नंबर एरर, तो यानी कि आप देख सकते हैं कि इस नोट में क्या है कि हर एक नोट में एक डिफिनिट नंबर होता है, जैसे कि एक नोट में 6 नंबर या होता है, इसमें 7 नंबर दे दिए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इस नोट को आप देखेंगे ऐसे, ये जूम तो हो नहीं पा रहा है, तो इस नोट में जो है 7 नंबर आ गया है, तो ये एरर हो गया, तो इसका प्राइस यहाँ पर 59,000 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और मैं आपको कॉइन्स के बारे में भी बता देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यानी ये तो मेरा, अच्छा ये दूसरा पेज ओपन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पे जो है कॉइन्स के बारे में देख लीजिए। तो यहाँ पे ये तो कॉइन का 20 लाख रुपए प्राइस रखा है, हालांकि ये कॉइन की प्राइस जो है मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉइन क्वीन विक्टोरिया का कॉइन है 1,80,000, ठीक है, और यहाँ पे 7,56,000 इसका है, और यहाँ पे 3,49,000 ब्रिटिश इंडिया क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है ओल्ड कॉइन्स है, हालांकि यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरी रेयर 5 रुपीज़ का जो वो कॉइन होता है जो कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम का, जो इसके बैक साइड में इंदिरा गांधी होती है, उस कॉइन की वैल्यू यहाँ पे 99,000 है, आप देख सकते हैं इसके बैक साइड में। और यहाँ पे ये वाले कॉइन्स भी बहुत सारे लोगों के पास है, तो इसका जो प्राइस है यहाँ पे 52,000 रखा गया, और इसका जवाहरलाल नेहरू वाले जो है कॉइन्स को आप देख सकते हैं 51,000 है। तो अब हम बताते हैं कि आपको कैसे सेल करना है इस पे। अगर आप सो मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है फेक जो है चीज़ें भी डाल देते हैं, यानी कि फेक चीज़ें डाल करके वहाँ पे 100-200 लिख देते हैं, 50 रुपये लिख देते हैं, यानी कि कितने लोगों ने तो ऐसे किया है कि 500 का 786 वाला नोट का भी प्राइस 200 लिख दिया है, यानी कि समझ लिए कि वो अपने 500 के नोट आपको 200 में दे रहा है, यानी
तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना फेक होता है। तो इसीलिए ये लोग जो ज़्यादा प्राइस है यहाँ पे, ज़्यादातर चांस है कि ये लोग रियल होते हैं और जो रियली में इनको कॉइन बेचना होता है। तो अब हम चलते हैं कि आपको सेल कैसे करना है। तो सेल करने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, अगर आप नहीं देखते हैं तो आप बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो मैं आपको निकेल और कॉपर का कॉइन्स के बारे में बताया था, इसका प्राइस जो यहाँ पे 29,000 रुपये रखा गया है, और 29,000 यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ये 27,000 है, 26,000 है, ठीक है। तो इस प्राइस रेंज में आप जो है अपना नोट या सिक्का अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप सेल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम। यहाँ पे जो है सिंपली से आपको गूगल में आना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है सेल ऑन ईबे। जैसे आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है सेल ऑन ईबे। तो जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे सेल ऑन ईबे, तो आपको सबसे पहले एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ पे लिखा होगा सेल डॉट ईबे डॉट इन। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेरा इंटरनेट स्पीड थोड़ा स्लो है, तो इंटरनेट स्पीड स्लो होने की वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा ताकि जो है मैं आपको पूरी चीज़ें सही से बता पाऊँ। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में आपको एक सेल का ऑप्शन दिखता है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ। आपको इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको जो है ये बहुत बड़ा एक सबसे बेस्ट तरीका है अपने नोट या सिक्कों को सेल करने का। और ईबे जो है एक ट्रस्टेड वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपना मोबाइल फ़ोन भी बेचते हैं, कंप्यूटर बेचते हैं, ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे सेकेंड हैंड भी होती है और कुछ जो होती है नई भी होती है। तो नए चीज़ों को भी आप यहाँ पे बेच सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट नेम में अपना नेम टाइप कर देना, ठीक है। और उसके बाद ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देने के बाद आपको पासवर्ड अपना चूज कर लेना है। तो यानी कि पासवर्ड में आपको क्या क्या होना चाहिए वो देख लीजिए ध्यान से कम 6 कैरेक्टर होना चाहिए उसमें। यानी कि 6 कैरेक्टर, जैसे कि मान लीजिए कि ABCDEFGH 6 होना चाहिए, एक नंबर या कोई सिंबल होना चाहिए और एक लेटर होना चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपना पासवर्ड रखता हूँ HISKT, और यहाँ पे मैं सॉरी ये पासवर्ड मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, TRIKY। इतना मैं डालने के बाद यहाँ पे 5 डालता हूँ, और एक सिंबल में आपको चाहे हच लीजिए चाहे परसेंटेज, आपको जो भी सिंबल लेना है वो आप ले सकते हैं। इतना करने के बाद आपको सिंपली रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन मेल आएगा जिसे आपको वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे जैसे ही अब ये प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा इंटरनेट स्पीड की अभी मैं घर पे हूँ और यहाँ पे जो है जियो की स्पीड बहुत ही कम है, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। तो यहाँ पे जो है ये रजिस्टर हो रहा है और अभी हमारे पास एक मेल आ जाएगा। तो जब तक ये प्रोसेस होता है तब तक मैं वीडियो को रोक देता हूँ क्योंकि इंटरनेट हो ही गया, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे आप आ जाएंगे तो रजिस्टर मैंने कर दिया फाइनली, और ईमेल भी मुझे रिसीव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है देना होगा। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो कंट्री है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है अपना सिटी सेलेक्ट करना है, जो भी आपका सिटी है नज़दीक का वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेट तो जो आपका स्टेट है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। पिन कोड आपको सेलेक्ट करना होगा, तो पिन कोड जो है आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ठीक है। और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे जो है इंटर एड्रेस में आप जो भी डालना चाहते हैं वो आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। ईमेल भी हमें रिसीव हो चुका है वेरीफाई करने के लिए, तो अब हम जो है वेरीफाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो है इसको हम फिल कर देते हैं, और इतना करने के बाद जो है आपको सिंपली नीचे आई हैव रीड एग्री ईवे, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। तो हम देखते हैं ये पेज थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है, तो वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये पेज लोड हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस पेज को मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ,
ओ ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है टेल अस व्हाट यू आर सेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है प्रोडक्ट का नेम आपको टाइप कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 786 सीरीज 100 रुपीज नोट, ठीक है। 786 कॉइन नोट, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा कॉइन नोट इंडियन नोट्स एरर फाइनेंसी नंबर, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो है क्रिएट कर रहा है ड्राफ्ट को, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैंने टाइटल दे दिया 786 सीरीज 100 रुपीज़ नोट, ठीक है। तो यहाँ पे 64 कैरेक्टर्स लेफ्ट इसमें बताया जा रहा है, हालांकि आपको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डालना है। आपको यहाँ पे सब टाइटल में आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, जैसे कि किसके द्वारा साइन है। तो अगर आपका ये नोट साइन मोन्टेक सिंह, जैसे जो जिसके द्वारा साइन है वो आप डाल दीजिएगा, जो भी गवर्नर के द्वारा इसमें साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे डाल देता हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे कैटेगरी आपको ऑलरेडी और जो है यहाँ पे ले लिया है कॉइन्स नोट इंडियन नोट ईरर फैंसी और इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको उसका कंडीशन देना है, कंडीशन यानी कि नोट किस कंडीशन में, न्यू है या यूज्ड है। तो यहाँ पे हमें यूज्ड ही देना होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा नोट जो है वो यूज है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इतना कुछ जो है आपने डाल दिया है, अब आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पे आपको कंडीशन का डिस्क्रिप्शन देना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यूज्ड लिख दिया, तो अब आपको ये दिखाना होगा कि आपके नोट जो है कंडीशन कैसा है, यानी कि फटा हुआ तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वेल कंडीशन नोट इज इन वेरी गुड कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें डाल देनी है, और यहाँ पे मैं ये लेता हूँ। इसके बाद आपको जो है इतना कुछ डालने के बाद आपको नीचे एक मिलता है एड फोटो का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप 8-9 फोटो जो है अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ जो है अपने ब्राउजर से जो है गैलरी से एक फ़ोटो ले लेता हूँ, तो मैं सिंपली एड फोटो पर क्लिक करता हूँ। एड फोटो पर क्लिक करने के बाद आपको अपना गैलरी ओपन करना है, और गैलरी ओपन करने के बाद जो है आपको आपका फ़ोटो, जो भी आपके पास फ़ोटो होगा वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसमें से आपको कोई सा भी एक जो है फ़ोटो ले लेना है, तो यहाँ पे मैं अपना एक फ़ोटो ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे फ़ोटो थोड़ा सर्च करने पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं एक फ़ोटो अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, जितने भी मेरे पास फ़ोटो है उसमें से मैं, आप चाहें तो एक दो चार फ़ोटो भी डाल सकते हैं एक ही, जैसे कि मान लीजिए कि दो चार फ़ोटो आप डाल सकते हैं कॉइन के, जैसे कि अगर आपका नोट है या आपका कॉइन है तो आप उसके बैक साइड की फ़ोटो डाल सकते हैं, फ्रंट साइड की फ़ोटो डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोटो जो है अपलोड हो रहा है, और यहाँ पे आपको नीचे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे जो स्टेप है इसके अगला स्टेप, इसमें थोड़ा सा जो है आपको यानी कि यहाँ पे देखना होगा, इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको भरना होगा सावधानी से, यही सबसे मेन होता है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि नोट का जो फ़ोटो है वो सक्सेसफुली मैंने अपलोड कर दिया है, और यहाँ पे आपको आइटम स्पेसिफिकेशन देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, यानी कि कितना आप इसे रखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ 99,999, ठीक है। उसके बाद आपको 2 जीरो डाल देना है। नेट क्वांटिटी नंबर ऑफ़ यूनिट, यानी कि कितना कॉइन्स या नोट है आपके पास, तो अगर आपके पास एक है तो आपको एक डाल देना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको सर्कुलेटेड एंड अनसर्कुलेटेड, तो अगर आपका सर्कुलेटेड है तो आपको सर्कुलेटेड डालना है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि जो कॉइन या नोट अभी चल रहा है वो सर्कुलेटेड में आएगा, तो आपको सर्कुलेटेड डाल देना है, ठीक है। और जो कॉइन अभी नहीं चल रहा है सर्कुलेशन में नहीं है, तो अनसर्कुलेटेड आपको डालना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ कुछ यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये भरना ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देख, जो यहाँ पे वारंटी है इसमें आपको जो है कुछ भी नो वारंटी में आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर कस्टमर कंप्लेंट्स, तो यानी कि यहाँ पे आपको जो है अगर कस्टमर का कोई भी कंप्लेन होगा तो वो कहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, तो यहाँ पे आपको सिंपली से अपना ईमेल आईडी देना है। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद
पैकेज यूनिट डायमेंशन, तो इसको जो है आपको सेलेक्ट करना है। तो यानी कि आप ये इसमें 10 x 10 cm, अच्छा ओके, मैं 15 x 20 cm, तो यहाँ पे आपको जो भी है आप ले सकते हैं, यानी कि अगर इतना ही आप लीजिएगा ठीक रहेगा। तो यहाँ पे मैं इंटू का ऑप्शन गया, 15 x 15, ओके सीएम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 15 cm इंटू, तो ओके। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लाइसेंस रखिए, क्योंकि ये जो है अकाउंट क्रिएट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं इतना डाल दिया, ठीक है। मैन्युफैक्चरर, पैकर्स एंड इम्पोर्टर डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको जो है टाइप में आपको क्या सिलेक्ट करना है, यानी कि मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है। कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो इसमें आपको इंडिया डाल देना है। और इसके बाद जो है डेट ऑफ पैकिंग, इम्पोर्ट और बोथ, तो डेट ऑफ पैकिंग आपको जो भी डालना है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो डेट ऑफ पैकिंग मैं आज का डेट डाल देता हूँ, ठीक है। आज हो गया 13 अप्रैल शायद, मे बी, तो ओके। तो मैं यहाँ पे डाल देता, एक सेकंड डेट देख लेते हैं, तो हाँ 13 अप्रैल हो गया आज, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 13 अप्रैल, ठीक है। यहाँ पे 04, और यहाँ पे जो है हम डाल देते हैं 2018। तो इतना कुछ जो है हमें डाल देना है यहाँ पे। और इसके बाद जो है हम यहाँ पे जिसमें स्टार लगा हुआ है उसके बाद आपको इसमें चीज़ें, वो चीज़ें डालनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर एंड पैकर, इंपोर्टर्स डिटेल, तो यहाँ पे आपको खुद का जो है डिटेल्स देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एड्रेस, अपना नेम एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना नेम टाइप कर देता हूँ, तो इतना कुछ भरने के बाद जो है आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरर एंड पैकर, इंपोर्ट डिटेल्स आपको देना होगा, इंपोर्टर डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे आपको अपना नाम टाइप कर देना है, ठीक है। एंड एड्रेस में आपको टाइप कर देना है, अपना जो आपका एड्रेस है वो आप टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना एड्रेस टाइप कर देता हूँ, एड्रेस टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस पूरा टाइप करना है, और यहाँ पे पिन कोड टाइप करना है, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद जो है आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको फॉर्मेट दिखेगा। अगर आप ऑक्शन टाइप में रखना चाहते हैं तो ऑक्शन टाइप में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, और फिक्स प्राइस में अगर आप रखना चाहते हैं तो फिक्स प्राइस कर दीजिएगा, ठीक है। ऑक्शन टाइप में क्या होगा कि लोग जो है आपके क्वाइंस पे या आपके नोट पे बीट लगाएंगे, तो जिसका बीट ज़्यादा होगा उसका जो है आप उसे आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन का ऑप्शन आता है, यानी कि आप कितना दिन तक रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको देना है कि गुड टिल कैंसिल, जब तक यानी कि आप इसे कैंसिल नहीं कर देते, ठीक है, तब तक जो है ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है बाय इट नाउ प्राइस, तो अगर आप में इसमें कुछ डालना चाहते हैं, क्वांटिटी 1 है, बाय इट नाउ प्राइस में आपको डाल देना है। यहाँ पे फिर से वही चीज़ें आपको डालनी है, 99,999, ठीक है। और यहाँ पे सेल एज लॉट अलाउ बायर्स टू रिमोन, इस समय आपको कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आता है, पेमेंट ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन आता है पैसा पे का, और ठीक है, इसके बाद आता है पैसा पे एंड COD, एडिशनल चेकआउट इंस्ट्रक्शन शो योर लिस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे आना है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे जो है आपको नीचे। इसके बाद डोमेस्टिक शिपिंग में आपको क्या करना है, फ्लैट सेम कॉस्ट टू ऑल वायर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आपको जो है सभी के लिए सेम प्राइस रखना है, ठीक है। सर्विस आप अगर यहाँ पे कुछ रखना चाहते हैं, जैसे कि फ्लैट रेट, कुरियर डिलीवरी एनी वेयर इन इंडिया, तो यानी कि अगर आप डिलीवरी चार्ज वगैरह रखना चाहते हैं तो इसमें आप डाल सकते हैं, अगर आप नहीं रखना चाहते तो नहीं डाल सकते, ठीक है। इंटरनेशनल शिपिंग में नो इंटरनेशनल शिपिंग, अगर आप इंटरनेशनल शिपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्लैट सेम कॉस्ट टू ऑल वायर्स, अगर आप चाहते हैं इंटरनेशनल में शिपिंग करना तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में शिपिंग करने के लिए जो है आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिटेल्स भरनी होंगी। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसमें रखना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या भरना है। शिप टू कितना कितना आपको चार्ज करेंगे, अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल शिपिंग में हम यहाँ पर नो कर देते हैं फिलहाल, और यहाँ पर जो है आइटम लोकेशन आपका यहाँ पर शो हो जाएगा, और यहाँ पर इतना कुछ भरने के बाद जो है फ्री शिपिंग पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। फ्री शिपिंग पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे अब इतना कुछ हमने भर दिया है इसमें, अब हम देखते हैं इसको ओके करके कि क्या
ये सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इसमें कोई कॉलम बाकी रह जाता है तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि आप उसे कैसे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इतना कुछ करने के बाद लिस्ट आइटम पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो इतना कुछ करने के बाद जो है सबमिट हो रहा है ये। और यहाँ पे इट्स लुक लाइक देयर आर ए प्रॉब्लम विथ लिस्टिंग पेमेंट मेथड, यू हैव ऑफर्ड पैसा पे एज पेमेंट मेथड, प्लीज स्पेसिफाई एट लीस्ट वन कुरियर शिपिंग मेथड एज वेल। आइटम डिस्क्रिप्शन, ए डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड, ए सर्विस एट लीस्ट वन वैलिड शिपिंग सर्विस मस्ट बी स्पेसिफाइड, ठीक है। तो डोमेस्टिक शिपिंग प्लीज स्पेसिफाई शिपिंग सर्विस ऑन चार्जेस फॉर द दिस आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें भरना होगा, जैसे कि यहाँ पे हमें आइटम डिस्क्रिप्शन देना होगा, तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। जो भी आप अपने आइटम के बारे में लिखना चाहते हैं वो सब आप यहाँ पे अपने आइटम के बारे में भर सकते हैं। तो यहाँ पे आइटम के बारे में आपको इतना कुछ भर देना है, और जैसे यानी कि आपके कॉइन्स में क्या खास बात है, ये कॉइन किस कंडीशन में है, इस कॉइन की खास बात क्या है, अगर ये UNC कंडीशन में है तो ये UNC कंडीशन में क्यों है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर भर देना है, ठीक है। तो इतना कुछ करने के बाद जो है आप यहाँ पे, मैं आ जाता हूँ आइटम डिस्क्रिप्शन में, इसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या जो है हमें यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे डोमेस्टिक शिपिंग सर्विस चार्ज फॉर दिस आइटम, तो यहाँ पे डोमेस्टिक शिपिंग मैंने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे हमें कुछ सर्विस चार्ज जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो सर्विस चार्ज जो है यहाँ पे सर्विस आपको देना है फ्लैट रेट, कुरियर डिलीवरी, लोकल कुरियर डिलीवरी विद इन सेलर सिटी, नेशनल कुरियर आउटसाइड द सेलर सिटी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे है कि आप कहाँ पे सेल करना चाहते हैं, तो फ्लैट रेट कुरियर डिलीवरी एनी वेयर इन इंडिया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे शिपिंग चार्ज जीरो है, ठीक है। तो यहाँ तो ये चीज़ें हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें और चीज़ें क्या फिल करना है। तो इतना कुछ मैंने फिल कर दिया, अब हम लिस्ट आइटम पे क्लिक करके देखते हैं कि हमें कोई एरर आएगा तो हम फिर से उसे फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं लिस्ट पे जो है आइटम पे लिस्ट करने के लिए क्लिक करता हूँ, इट्स लुक लाइक देयर इज ए प्रॉब्लम विथ लिस्टिंग, यू हैव रीच्ड योर सेलिंग लिमिट्स ऑन ऑन द इंडियन ईवे साइट। सो द यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे बताया जा रहा है, ऑन द ईवे साइट यू कैन सेल अप टू 10 आइटम्स, अप टू 250 पर मंथ, व्हिच एवर कम फर्स्ट, ऑल्दो यू हैव रीच्ड योर लिमिट्स इन आयन, यू मे बी एलिजिबल फॉर द लिमिट इंटरनेशनली। तो यहाँ पे जो है मेरा जो है ये चीज़ें लिस्टिंग हो चुका है यहाँ पे। अब हम जो है अपने लिस्टिंग पे जा कर के देख लेते हैं कि जो हमारा ये आइटम है ये लिस्ट हो गया है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब मुझे ये एरर आता है इसका मतलब कि आपने लिस्ट एक आइटम को ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं अपने प्रीव्यू लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा लिस्ट है यहाँ पे हमारा आइटम जो है सक्सेसफुली लिस्ट हो चुका है। और अब आपके पास जो है पैसे कैसे आएगा, ठीक है, पैसा पे ट्रांसफ़र, तो आपको सी पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं हाउ टू, यानी कि यहाँ पे अगर सी पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है एक ऑप्शन मिलता है सेव द सेलर, सी अदर ऑप्शन, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको पेमेंट, जैसे ही आपका आइटम आप डिस्पैच करेंगे तो ऐसे ही आपको पेमेंट जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे पेमेंट के लिए जो है आपको शिपिंग फ्लैट रेट, यहाँ शिप टू इंडिया, कहीं भी इंडिया में हम शिप कर देंगे इसको, ठीक है। शिपिंग डिटेल्स यहाँ पे ये सब प्राइस दिखा रहा है, ये सब में आपको सी फुल आइटम डिस्क्रिप्शन, अगर यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो जो जो आपने आइटम डिस्क्रिप्शन डाला है वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको जो आपको खुद का एड्रेस जो आपने यहाँ पे डाला है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, और ईबे का जो आपके आइटम नंबर है वो यहाँ पे है। और इससे अब अगर कोई भी आदमी 786 नोट को सर्च करेगा तो वो आपके नोट पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कंडीशन यूज्ड, उसके बाद नोट इज इन वेरी गुड कंडीशन, तो आपको जैसे कि अगर कोई बाइट नाउ पे क्लिक करता है, यहाँ पे बाइट नाउ, एड टू कार्ट, ये सारा ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्लिक करके आपको दूसरे ब्राउज़र में कहीं पे दिखाता हूँ, ठीक है, मान लीजिए कि मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि अपने अब जो है मैंने सक्सेसफुली यहाँ पे सेल के लिए आइटम डाल दिया है। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप ईवे पे सिर्फ एक आइटम को सेल कर सकते हैं, यानी कि एक 10 आइटम सेल कर सकते हैं, और $250 से ज़्यादा का सेल नहीं कर सकते। $250 दैट मीन्स कि 15,000 रुपये से ज़्यादा का प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, यानी कि 15,000 एक लिमिट है। लेकिन मैंने 99,000 का एक प्रोडक्ट ऑलरेडी डाल चुका हूँ, इसीलिए अब हम दूसरा प्रोडक्ट नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही अगर कोई आदमी बाई करेगा तो आपके जो कॉन्टैक्ट है, आपके जो ईमेल है, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आएगा, और आप जैसे उसे आइटम शिप कर देंगे वो जो है पेमेंट आपको
आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा ईबे की तरफ से, और आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो है अपना बैंक अकाउंट का इन्फॉर्मेशन दे देना है यहाँ पे। और जैसे ही आपका आइटम शिप हो जाता है वैसे आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन देंगे, आइटम अप्रूव हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने आइटम शिप किया, जिन्होंने ख़रीदा उसके पास गया और उन्होंने अप्रूव कर दिया, तो आपका जो है यहाँ पे पैसा जो है आपके पैसा पे में आ जाएगा, और आप अपना बैंक अकाउंट नंबर देंगे और ये आपके जो बैंक में है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये आपको ईमेल आएगा कि आपको बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करना है, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड कर देना है, और वैसे उस तरह से जो है आपको यहाँ से पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं उस लिंक पर क्लिक करता हूँ जो मैंने कॉपी किया था, तो अगर मैं यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और हम यहाँ पर इसको सर्च करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा नोट है ये किस टाइप से यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी इस अकाउंट से साइन इन हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे ही अपने अकाउंट को यहाँ पे आपको माय पैसा पे पे आपको एक बार ऑप्शन दिख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैक ऑर्डर वगैरह वगैरह कितने ऑर्डर आपको मिले वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी आदमी कॉन्टैक्ट करता है तो आपको सिंपली ये जो है सेल कर देना है, और ये काफ़ी अच्छा है, ट्रस्टेड भी है, आप कहीं भी इसको सेल कर सकते हैं, जहाँ भी आप चाहें ऑल इंडिया में शिप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ईबे पे कोई भी चीज़ें सेल कर सकते हैं, जो भी आपके पास पुराने मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं, या यूएनसी कंडीशन में कोई नोट कॉइन सिक्का या कोई भी आपके पास पेंटिंग हो सकता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप सेल कर सकते हैं। तो मुझे जो है कल मैंने लाइव स्ट्रीम किया था उसमें मुझे ये सवाल आया था कि ईबे पे जो है आप बनाइए कि ईबे पे कैसे सेल कर सकते हैं, क्योंकि ईबे पे सेल करने में बहुत सारा, जैसे कि आपने देखा कि कितना लंबा प्रोसेस है, तो इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है ईबे पे सेल करने में। तो आपको जो है किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी आसान नहीं है इस दुनिया में, तो आपको थोड़ा मेहनत तो करना ही होगा। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा, आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप लोग लाइक करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको आगे भी ऐसी वीडियोज़ देता रहूँगा। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।